हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल बैकपैकर ब्लॉग की राजस्थान रोड ट्रिप सीरीज के लास्ट एपिसोड में। इस ट्रिप में लखनऊ से जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर सम होते हुए एंड में उदयपुर में आकर रुके हुए हैं हम। आज ट्रिप के लास्ट दिन हम वापस चलेंगे लखनऊ, जो हम जाएंगे नाथद्वारा, अजमेर, जयपुर और आगरा होते हुए। तो आज की ड्राइव होने वाली है 1000+ किलोमीटर की और टारगेट है 12 बजे से पहले पहुंचने का। समय हो रहा है 7:10 और हम निकल रहे हैं उदयपुर से लखनऊ के लिए। यह है उदयपुर बाईपास रोड। हमारे होटल से 15 मिनट में हम यहाँ पे आ गए हैं। लेफ्ट से इसी रोड से हम आए थे जोधपुर से। अब हम सीधे जाएंगे जयपुर के लिए। राइट में ये रोड चित्तौड़ जा रही है और यहाँ आते ही पहाड़ों के नज़ारे शुरू हो गए हैं। ये लेफ्ट से रोड जा रही है अमरख महादेव टेम्पल को। अगर आपके पास टाइम हो तो यहाँ से शिव जी के दर्शन करते हुए जा सकते हैं। आगे है चिड़वा घाटा टनल, जो ये मेन रोड जा रही है, पर अगर आपको टनल के ऊपर से पहाड़ से जाना हो तो ये लेफ्ट से रोड जा रही है, जिससे आप पहाड़ की पतली घुमावदार सड़कों से होते हुए टनल के दूसरी तरफ मिल जाओगे। इसके ऊपर चिड़वा घाटा टेम्पल भी है। लेफ्ट में दिख रहा है स्टैचू ऑफ बिलीव, विश्वास स्वरूपम, मतलब हम पहुंच गए हैं नाथ द्वारा, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी के 7 साल के बाल रूप का श्रीनाथ जी मंदिर है। ये मंदिर राजा राणा राज सिंह जी ने 1660 में बनवाया था, जिसमें वो मूर्ति स्थापित है जो मथुरा के मंदिर के पुजारी दामोदर दास बैरागी जी औरंगजेब से बचा कर लाए थे, जो उस समय मथुरा के हर मंदिर को तोड़ रहा था। और राणा राजा सिंह जी के अलावा कोई और राजा तैयार नहीं हुआ था इसके लिए। औरंगजेब के डर की वजह से राणा राज सिंह जी ने औरंगजेब को चुनौती दी थी, मंदिर तक पहुंचने से पहले उसे 1 लाख राजपूतों से निपटना होगा। यहां तक हम पहुंचे हैं 40 मिनट में। अब हम पहुंच गए हैं राजसमंद। इस फ्लाईओवर से उतरते ही रास्ता गया है राजसमंद लेक के लिए, जो कि उदयपुर की 7 लेक्स में से एक है, जैसा कि लास्ट एपिसोड में मैंने आपको उदयपुर के घूमने वाली प्लेसेस में बताया था। यहां तक आने में हमें समय लगा करीब 1 घंटा। अब यहां से रोड 2 लेन की हो जाती है, फिर भी ट्रैफिक कम है और रोड कंडीशन सही है, तो इतना कोई दिक्कत नहीं है।
अभी समय हो रहा है 11:15 और अब यहाँ से हमें 6 लेन वाली रोड मिल गई है, तो गाड़ी चलेगी क्रूज पे। जयपुर तक ये रोड 6 लेन वाली रहने वाली है। करीब 1.25 घंटे हमें 2 और 4 लेन पे गाड़ी चलानी पड़ी। रोड कंडीशन वैसे अच्छी थी, ट्रैफिक भी ज़्यादा नहीं था। अब हम आ गए अजमेर में। ये लेफ्ट वाली रोड से अजमेर या पुष्कर की तरफ जा सकते हैं। उदयपुर से यहाँ पहुँचने में हमें समय लगे 4.25 घंटे। अजमेर में भी बढ़िया पहाड़ दिखते हैं। समय हो रहा है 12:50 और हम रुके हैं होटल हाईवे किंग बागरू में लंच के लिए। यहाँ तक हम पहुँचे हैं 5:40 में। कैंडी देखो कितनी सारी है, गोलगप्पे भी है। ये जयपुर बाईपास से 11 किलोमीटर दूर है और ये सुबह से हमारा पहला ब्रेक है। खाना तो बहुत ही बढ़िया है यहाँ पर। इस रूट पे हो तो खाना यहीं पे खाए, जैसा कि इनका स्लोगन है, चूक ना जाना किंग का खाना। यहाँ पे लंच के अलावा और भी कई शॉप्स हैं, मॉल की तरह कह सकते हैं। वॉशरूम वगैरह भी मॉल्स की तरह ही बढ़िया बने हैं। अब यहाँ से निकल लिए हैं हम। किंग में हम रुके करीब 50 मिनट। राउंड देखो कैसे टपक रहे हैं, बेचारे जल्दी नहीं पाया। 2:30 बजे हम पहुंच गए हैं जयपुर के अंदर। मतलब उदयपुर से जयपुर आने में हमें समय लगा करीब 7:20। हमने बाईपास मिस कर दिया था, पर बेहतर होगा आप लोग बाईपास से ही जाओ। सर आगरा के लिए? आगरा हाँ उधर। जाना यहाँ से हमें सीधे था, पर कुछ कन्फ्यूजन की वजह से हमने राइट टर्न ले लिया। इसका कारण था कि आज कोई एग्ज़ाम की वजह से पूरे राजस्थान का इंटरनेट बंद था, सुबह 8 बजे से ही शायद शाम के 6-7 बजे तक। जो हमें पता तब चला जब मैंने चेक किया फास्टैग का बैलेंस, जो कि नहीं पता चल सका। फास्टैग में सफिशेंट अमाउंट था, वरना रिचार्ज भी नहीं कर सकते थे। फिर पेट्रोल डलवाने में इशू आया, पेट्रोल पंप वालों की क्रेडिट कार्ड मशीन नहीं चल रही थी, गूगल पे तो चल ही नहीं सकता था, और राजस्थान की सुनसान हाईवे पे एटीएम ढूंढना भी टास्क था, वो भी बिना इंटरनेट के। और गलती से मैंने मैप रीसेट कर दिया। ऑफलाइन मैप तो था,
पर उसमें रूट नहीं बन पा रहा था बिना नेट के, ना कोई इंस्ट्रक्शन कि किधर मुड़ना है। तो बस मैप की रोड पर पॉइंटर देखते हुए चलना था कि सही रोड पर चल रहे हैं कि नहीं। इसी में हमने यहाँ से गलत टर्न ले लिया और वापस आना पड़ा बीकानेर आगरा रोड पे, जहाँ से हम गलत मुड़े थे। रास्ता उधर से भी था, पर बिना मैप के ऐसे ही किसी रास्ते पे जा नहीं सकते थे। तो ऐसी सिचुएशन के लिए सोल्यूशन ये है कि ऐसी ट्रिप पे रूट को सेव करके रख लेना चाहिए मोबाइल की स्क्रीन पर। फिर नेट हो चाहे ना हो, अगर आप उस रूट पे क्लिक करोगे तो आपको प्रॉपर रूट का ही मैप में फॉलो करेगा। वैसे राजस्थान में देश विदेश का इतना टूरिस्ट आते हैं और ये पूरे स्टेट का इंटरनेट ऐसे ही बंद कर देते हैं पूरे दिन के लिए। एग्ज़ाम में नकल रोक नहीं पाते और सफ़र करते हैं टूरिस्ट। पाँच 35 हो रहा है, जितने का पेट्रोल भरवाया था उसमें आगरा पहुंचना मुश्किल लग रहा है, तो यहाँ पे फिर 500,000 का पेट्रोल भरवा लेते हैं। एक तो यहाँ का महंगा भी है और कैश भी कम है। आगरा बाईपास 6:40 पे हम पहुँचे हैं आगरा बाईपास पे। साढ़े 7 पे हम एंटर कर रहे हैं आगरा एक्सप्रेसवे पर। एक्सप्रेसवे के पहले वाले फूड कोर्ट में हमने डिनर किया, जहाँ पे हमें समय लगे 40 मिनट। फाइनली 11:35 पे हम अपने घर पहुँचे, तो हमें उदयपुर से लखनऊ आने में समय लगा 16 घंटे 25 मिनट। और इस 3,065 किलोमीटर की पूरी ट्रिप में हमें एवरेज मिला 15 का, जो कि पहाड़ों की ट्रिप में 12-13 का मिलता है। तो इस सीरीज में यहीं तक, मिलते हैं अगली एक्साइटिंग ट्रैवल व्लॉग सीरीज में। अगर ये वीडियो और सीरीज़ आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल बैकपैकर व्लॉग को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।